चलिए अब हॉटपॉट बनाते हैं वेजिटेरियन, ढेर सारी सब्जियों के साथ में वेजिटेबल हॉटपॉट। जी हाँ, मंगोलियन हॉटपॉट जो रहता है वो तो अलग होता है, लेकिन ये जो है इसको हम क्ले पॉट के अंदर बनाएंगे। और इसके लिए ये मेरे पास यहाँ पर स्टॉक है, आप चाहें तो वेजिटेरियन स्टॉक ले सकते हैं, वेजिटेबल स्टॉक ले सकते हैं, नहीं तो चिकन स्टॉक से भी इसे बनाया जा सकता है, मर्जी आपकी है। तो ये इसको हम गर्म कर लेते हैं, और इसके लिए हमें नूडल्स चाहिए, तो आप नूडल्स को पका लें, और पके हुए नूडल्स चाहिए इसके लिए हमें। और फिर इसमें हमें कुछ चीज़ें डालनी है, इसके लिए स्प्रिंग अनियन और स्लाइस्ड इसमें हम ले लेते हैं, और उसके साथ साथ जो इसके ग्रीन्स हैं ये भी चाहिए हमें ये, और इसमें मैं पालक के पत्ते भी इस्तेमाल करूँगा, तो ये पालक, ये पालक के पत्ते, और फिर इसमें चाइनीज कैबेज, तो ये जो चाइनीज कैबेज है ये ले लेते हैं जितनी हमें चाहिए, तो चाइनीज कैबेज, और इसे भी श्रेड करना है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा श्रेड करना है। चाइनीज कैबेज को इस स्टॉक के अंदर डाल देना है हमें, ये देखिए इसमें डालेंगे हम थोड़ा गार्लिक, और फिर इसमें डालें ये अदरक। ये मेरे पास है बीन कर्ड, ये बीन कर्ड ले लेते हैं, और इसको भी इसके अंदर डालेंगे। और इसे सर्व करने के लिए कुछ सॉस मुझे चाहिए, और ये जो सॉस है एक काम करना है आपने, ये ले लें क्रश्ड रेड चिलीज, एक काम करें ये है हमारे पास सोया सॉस ये, और इसके अंदर थोड़ा सेसमी ऑयल, ये सब चीजें लेकर इसको मिक्स कर लें। और अब इसी तरह से एक और सॉस, और वो है ये हॉइसिन सॉस, और ये हॉइसिन सॉस में भी थोड़ा सा सेसमी ऑयल, ये इसे मिक्स करें, इसके साथ इसमें ये थोड़ा सा गरम स्टॉक, ये डालकर इसे हमने मिक्स करना है। ये दो सॉस के साथ इसे सर्व करेंगे, कैसे सर्व करना मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये इसके अंदर हम डालेंगे ये प्याज, प्याज के साथ साथ इसमें डालें ये स्पिनच लीव्स, इसके साथ इसमें डालें ये नूडल्स, तो सॉल्ट इसके अंदर ये लीजिए, सॉल्ट डालकर इसे मिक्स कर दिया, ये एकदम गरम हो गया। और अब ढक्कन लगाकर इसे एकदम गरम रखें, जब भी आपने इसे खाना हो तो ये दो सॉसेस साथ में रखें, चाहे तो तीखी वाली सॉस जिसमें ढेर सारी चिलीज हैं, सेसमी है, सेसमी ऑयल, और उसके साथ साथ सोया सॉस, टेस्ट भी आएगा, तीखापन भी लगेगा, ये मिक्स करके खाएं। और या फिर जो दूसरी हॉइसिन सॉस है जो थोड़ा स्वीटर टेस्ट उसका रहता है, उसके साथ इसको मिक्स करके खाएं। कई बार ऐसा करते हैं हम कि इसको दो हिस्सों में खाते हैं, मतलब बड़ा पोर्शन इसको इसी तरह से रखा, एक छोटा बोल साथ में लिया, उसके अंदर थोड़ा कई बार चिकन भी रख सकते हैं, और इसमें से पोर करके छोटे पोर्शन में डाला, एक में तीखी वाली सॉस के साथ खाया, और दूसरी बार जब खाया उसको हॉइसिन सॉस के साथ। बस इसी तरह से मज़े लें और इसे खाएं, हेल्दी रेसिपी को ढेर सारी, लेकिन क्ले पॉट मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा, गर्मा गर्म बनाएं इसी तरह से, लेकिन सर्व करने के वक्त ही इसे खोलें ताकि इसमें से इसकी खुशबू आए, धुआं निकले, गर्मा गर्म मजा लें इस वेजिटेरियन हॉटपॉट का। इसके लिए हमें चाहिए एक चौथाई चाइनीज पत्ता गोभी कटी हुई, 12 पालक की पत्तियां कटी हुई, 2 सूखी लाल मिर्चें कुटी हुई, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 2 छोटे चम्मच तिल का तेल, 4 कप वेजिटेबल स्टॉक, 1 छोटा चम्मच हॉइसिन सॉस, 6 लहसुन की कलियां पिसी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक पिसा हुआ, 50 ग्राम टोफू कटा हुआ, 3 हरी प्याज स्लाइस की हुई,
एक कप हाका नूडल्स उबले हुए और नमक स्वाद अनुसार। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चिली सॉस बना लें। इसके लिए कुटी लाल मिर्चों में सोया सॉस और एक छोटा चम्मच तिल का तेल डालकर मिलाएं। इसके साथ होइजन सॉस में एक छोटा चम्मच वेजिटेबल स्टॉक और बचा तिल का तेल डालकर मिला लें। अब एक क्ले पॉट के अंदर बचा हुआ स्टॉक डालकर उबालें और इसके अंदर चाइनीज पत्ता गोभी, लहसुन, अदरक और टोफू डालकर इसे 3-4 मिनट तक पकाएं। अब इसके अंदर हरी प्याज, पालक, नूडल्स और नमक डालकर मिलाएं और करीब 2-3 मिनट तक पकाएं और इसे तैयार सॉस के साथ सर्व करें।